दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों को समझ नई जानकारी लेकर के। दोस्तों आज हम PSL के मुद्दे पर बात करेंगे दोस्तों, बहुत बारीकी से। आज सिस्टम कैसा काम कर रहा भारत का, और कैसे लोग हैं, कैसे लोग सोचते हैं, क्या विचार है, कैसे चल रहा है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। पैसा देने की बात जो होती है और किस तरीके से होती है, किस मुद्दों को लेकर बात किया जा रहा है आज के सिस्टम में, पैसे को लेकर के अर्थात निवेशकों के पैसे को लेकर के क्या क्या बातें हो रही हैं, उस पर हम बात करेंगे दोस्तों। दरअसल बात PSL के मुद्दा सही सवालों से कोसों दूर है, इस पर बात होगी दोस्तों। इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों जो पहले बार इस चैनल पर न्यूज़ देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि उन्हें लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहे। और पहले सब्सक्राइबर भाइयों को जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आते हैं अपने सवालों में। दोस्तों PSL का मुद्दा सवालों से कोसों दूर है दोस्तों। दरअसल हम बात ये कहना चाहते हैं, बात जहाँ पर यह हो रही है कि हमारा मुद्दा बार बार अब जो है संसदों द्वारा उठाया जा रहा है दोस्तों, बात हो रही है, लेकिन अब ज़रूरी इस बात की है कि हमारा मुद्दा इस बात पर विशेष गौर के साथ होना चाहिए कि PSL का जो मैच्योरिटी सेबी कर रही है वो तरीका बहुत अच्छा नहीं है, बहुत लटा हुआ तरीका है, बहुत ख़राब तरीका है। जितनी इसकी निंदा हो सकती है उतना ही कम है। दरअसल बात यह है, जो मेन बात है, जो दिक्कतें आ रही हैं लोगों में बहुत अच्छी तरीके से आ रही हैं, और जो लोगों के अंदर भय व्याप्त है कि हमने इतना पैसा निवेश किया है और आज रिटर्न में इतना मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्या सेबी के पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड के बारे में बात होनी चाहिए कि आपके पास कितना, कितने लोगों का, कितने का डाटा आया है, कितने समय का डाटा आया है, कितना, क्या सारा डाटा सेबी के पास है या नहीं है, इसका सेबी जवाब दे। प्रत्येक व्यक्ति के पास जो बांड रखे हुए हैं क्या उनके हिसाब से सेबी के पास रिकॉर्ड है या नहीं है, इस सवाल को सवाल उठाना चाहिए। क्यों सेबी आज जो निवेशकों के पास रसीदें हैं और सेबी के पास जो धन है उसे मैचिंग क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों उतना पैसा वापस नहीं किया, क्यों रसीदें मांग रही है, रसीदें धूमिल हो गई हैं, फट गई हैं, गल गई हैं, सेबी को किस प्रकार यकीन दिलाए कि पैसा कि इतना हमारे पास पैसा, मतलब इतनी रसीदें हैं और जमा है इसका पैसा, किस प्रकार निवेशक यकीन दिलाए, इस बात को कोई आकर बता सकता है, ये सवाल क्यों नहीं उठाया जाता संसद में। दोस्तों बहुत बड़ी बात है जो बहुत बड़ी बेईमानी के साथ सेबी उतारू हुई है और सरकार की यह संस्था और एकदम से लूटने पे उतारू हो चुकी है और लूट रही है, कोई नहीं बोल रहा है इसके खिलाफ। क्यों नहीं आवाज़ उठ रही है कि आज हम 10,000 रुपये जमा किए हुए हैं और रसीदों के न चलते हमें 2,000 रुपये केवल मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्या सेबी के पास रिकॉर्ड नहीं है, कब तक कितना रिकॉर्ड है सेबी क्यों नहीं बताती है, सेबी को बताना चाहिए, लोढ़ा कमेटी को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्यों नहीं दे रही है, यह अहम सवाल उठता है दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होगा तो चंद लोगों को पैसा देकर ये बता देगी जैसा कि वे बता रही है दोस्तों। ऐसा हम आगे हम बता देते हैं सेबी ने क्या कहा दोस्तों। सेबी इस प्रकार के सवाल क्यों नहीं उठाती है, निवेशकों का पैसा लौटाया गया सेबी कह रही है। इसने 3 दिसंबर को जो न्यूज़ में निकाला दोस्तों, बाजार नियामक सेबी ने कहा PSL के मामले में 5,000 रुपये तक के दावे वाले 2.77 लाख से अधिक निवेशकों का पैसा वापस कर दिया गया है। PSL ने कृषि और रियल इस्टेट कारोबार के नाम पर लोगों से धन जुटाया है दोस्तों। इस प्रकार से ये बता रहे हैं हमने इतना पैसा वापस कर दिया, क्या यह बात सही है दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार, जिस प्रकार से ये पैसा देने की बात कर रही है, लोगों के पास बहुत से रसीदें रखे हुए हैं और उन रसीदों का जब लोग मिलान करते हैं तो उस हिसाब से पैसा आया ही नहीं उनके पास, और बहुत कम चंद लोगों के पास पैसा आया है। और ये सेबी ये बात कहकर हाथ साफ कर रही है कि इन लोगों ने ठीक से आवेदन नहीं किया, उनके आवेदन करने में गलती हुई है और कागज़ सबमिट कराने में गलती हुई है, इस प्रकार से इनका पैसा नहीं दिया जाएगा। हम पूछते हैं दोस्तों, कोई भी ऐसी संस्था बता दो जहाँ पर सारी रसीदें मांगी जा रही हूँ, केवल बांड मांगकर ही और लीगल कागजात मांगकर पैसे वापस किया जा रहा है सब जगह, ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये बेईमानी नहीं है दोस्तों, ये कोई किसी को दिखता नहीं है, किसी राजनेता को ये दिखता नहीं है, ये सवाल क्यों नहीं उठता है, सेबी से स्पष्टीकरण पूछा जाए, क्या निवेशक पैसा जमा नहीं किया है कि स्पष्टीकरण दे,
और जो संवाददाता हैं और जो चैनल वाले ये क्यों नहीं उठा बात कर रहे हैं, ऐसी बातें क्यों नहीं पूछी जा रही हैं, पैसा वापस किया जा रहा, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी बात कहकर अपना हाथ हिला देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा, ऐसा तो सारी जनता लुट जाएगी और लुट रही है, इस पर एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ये बात सदन में संसद में सब जगह उठना चाहिए कि सेबी जो पैसा रिटर्न कर रही है बहुत गलत तरीके से कर रही है, इस प्रकार कहीं नहीं होता, ये तो बेईमानी का, एकदम घोटाला करने का और चोरी करने का, डकैती करने का, लोगों के घर में डकैती करने का, लोगों के सिस्टम में डकैती डालने का, ये तो घोर अपराध हो रहा है दोस्तों। इस प्रकार से होगा तो दोस्तों लोकतंत्र कहाँ रहेगा, ये तो मनमानी और तानाशाही की निशानी है दोस्तों। ये सरकार की ये संस्था बराबर अच्छे तरीके से अपराध कर रही है, लोगों के गुनाहगार है दोस्तों, इस पर से लोगों का विश्वास हट रहा है दोस्तों। आपका कहना क्या कहना है कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों, धन्यवाद।